आप देख रहे हैं नो द टाइम्स पंजाब केसरी टीवी। पंजाब के खेल मंत्री गुरमीत सिंह मिथेर ने केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर के साथ मुलाकात की है। मुलाकात में क्या चर्चा हुई? हमारे साथ मिथेर जी हैं। सर, चर्चा क्या हुई आखिर? देखो जी, असी क्योंकि पंजाब का खेड मंत्री होने के नाते पंजाब के माननीय मुख्यमंत्री साहब ने मेरी ड्यूटी लाई है कि पंजाब च खेडा नू तुसीं पहले नंबर पर लैके आना, भी जो मेरे तो चाहिए वह असी मुहैया करवावे। लगातार सीएम साहब की सपोर्ट है, सो सानू नाल नाल क्योंकि सानू खेलो इंडिया तहत सेंटर के फंड की भी जरूरत है। असी इस करके अनुराग जी नू जिहड़े सेंटर के वजीर ने उन्होंने बेनती करने लिए आए सी कि पंजाब च जिहड़ा बहुत ज़्यादा टैलेंट है, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्कोप है, पंजाब नू सिर्फ थोड़ी जी जिहड़ी स्पोर्ट्स की जिहड़ी है जरूरत है। इस तो पहला भी पंजाब खेडां दे विच पहले नंबर पर रहा, पिछले समय च साडियां कह लो सरकारां ने जिहड़ा टैलेंट सी उहदी कोई मदद नहीं की, कोई उन्हां नू जिहड़े ग्राउंड्स चाहिए सी जां कोई इक्विपमेंट्स चाहिए सी जां डाइट चाहिए सी, है ना, वो खास तौर जिहड़े पेंडू खेत्र दे बच्चे है उन्हां नू मुहैया नहीं करवाई, है ना, जिहदे करके साडी कह लो जदों कोई मान सम्मान भी नहीं किया, इत्थों तक कि जे कोई इंटरनेशनल मैडल भी लैके आउंदा सी उहनू लोकल डीसी जां एसडीएम भी वधाई नहीं सी दिंदे, जिहदे करके कह लो भी बच्चों का इंट्रस्ट ही खेडां वाले पासे वो खत्म हो गया। पर अज भी जिहड़े कोई बच्चे लगे हुए वो अपने बलबूते ते लगे हुए आ, जिहड़े हुण कॉमनवैल्थ चों भी जिहड़े बच्चे मैडल लैके आए वो सारे ने अपने बलबूते ते मेहनत की है। कई तो इदां दे गरीब घरां दे बच्चे आ, मतलब कि जिन्हां दे मैं समझदा भी प्रॉपर डाइट भी पता नहीं बेचारे ने किस तरह मैनेज किया हो, पर फिर भी उन्होंने देश का जिहड़ा तिरंगा हैगा वह जाके उत्थे बर्मिंघम दे विच जिहड़ा वह बुलंद है वह किया। मैं उन्होंने बच्चों नूं वधाई भी दिना, तो साड़ी हुण जिम्मेवारी बनती है कि उन्होंने बच्चों का जिहड़े जित के उन्होंने मान सम्मान भी करिए, जिहड़ा ऑलरेडी सीएम साहब कर भी रहे हैं, उन्होंने मैडल मैं कहना भी स्टेज तो उपर उतरन तो पहला पहला सीएम साहब ने अनाउंस करता भी भाई असी इन्ना जिहड़ा कैश प्राइज ब्रोंज़ वाले नूं 40, सिल्वर नूं 50 ते गोल्ड नूं 75 लाख रुपया उन्होंने ऑलरेडी सीएम साहब जिहड़ा अनाउंस है वह कर चुके हैं। सो असी इसे करके कर रहे हैं कि जिहड़े बच्चे जिहड़े इन्हां नूं मान सम्मान इसे करके दे रहे हैं ताकि दूसरे जिहड़े बच्चे है उन्हां च हौसला जिहड़ा पैदा हो सके भी यार एक पॉजिटिव जिहड़ा एक मैसेज आ सके भी यार उन्हां नूं इन्ना मान सम्मान मिलिया असीं भी खेडीए। सो जिथे साडी जिम्मेवारी बनती है कि असीं जित के आंदा मान सम्मान करिए, उत्थे साडी जिम्मेवारी बनती है कि असीं मैडल तक साडे जिहड़े नवें बच्चे है उन्हां नूं लै के किवें जाणा। सो उहदे लई इंफ्रास्ट्रक्चर की पंजाब च बहुत जरूरत है, ग्राउंड की जरूरत है, उहदे लई पंजाब सरकार भी लगी हुई है, उहदे लई असीं सेंटर सरकार नूं भी अज बेनती करन लई आए हां भी साडी मदद करो, खेलो इंडिया तक सानू प्रोजेक्ट दिओ, साडे ग्राउंड बनाओ ता कि जिहड़े साडे पिंडां दे बच्चां नूं प्लेटफॉर्म मिल सके ता कि अपना जिहड़ा हुनर है वह निखर के उन्हां जिहड़ा सामने आ सके। सर, कॉमनवेल्थ में नए नए लड़के उभर के आए हैं, खेल जिस तरीके से खेल हो रहे हैं, क्या लगता है कि जो गाँव में जिन बच्चों को गाइडेंस नहीं मिलती क्या पंजाब सरकार उन बच्चों को गाइड करेगी? जरूर करांगे जी, यही साड़ी जिम्मेवारी बनती है कि चाहे कोई पंजाब दे पिछड़े तो जिहड़ा पिछड़िया पिंड है उत्थों का कोई बच्चा हैगा उहदा भी जे उहदे च कोई टैलेंट है उहनू निखारन की जिम्मेवारी जिहड़ी है वह साड़ी बनती है। असी नवें कोचस की भर्ती भी जिहड़ी है कर रहे हैं, असी पिंडां दे विच भी सारयां दे विच ग्रासी ग्राउंड भी अलग अलग, चाहे फुटबॉल है चाहे वॉलीबॉल है बास्केटबॉल है, असी जिहड़े छोटे ग्राउंड है वह भी सारे पिंडां च साडी प्लैनिंग आने वाले समय जिहड़े है वह बनाए जाणगे। इक्विपमेंट्स भी पहली बार हो रहे हैं कि 2016 तो बाद पहली सरकार है मान साहब की जिहड़ी खिडारियों नूं समान जिहड़ा इक्विपमेंट है वह मुहैया करवा रही है। 2016 च भी तां करवाया सी क्योंकि उदों इलैक्शन ईयर सी, साडे दा कोई इलैक्शन नहीं सिर ते, असी इसे करके करवा रहे हैं क्योंकि साडे लई स्पोर्ट्स जिहड़ी है वह प्रायोरिटी, असी चाहुंदे हां कि पंजाब दा जिहड़ा ओवर एनर्जेटिक यूथ है उहदी जिहड़ी एनर्जी है वह देश दे काम आवे, उह सही डायरैक्शन च जिहड़ी आ उह लगे। इस करके असी लगातार इहदे ते जिहड़ा उह काम कर रहे हां ते सानू पूरी उम्मीद है कि ऐतकी जे वेट लिफ्टिंग चो 4 मैडल आया तां आने वाले समय च पंजाब दे 10 आउणगे। पंजाब दे जिहड़े होर भी जिहड़ियां खेडां ने उहनां विच भी आने वाले समय च पंजाब अच्छा परफॉर्म करेगा ते उह दिन दूर नहीं होगा जिदन पंजाब देश चो पहले नंबर ते जिहड़ा आऊगा। मुलाकात हुई है, आश्वासन मिला है? हाँ जी, क्योंकि मंत्री साहब का पंजाब नाल जिहड़ा पिछोकड़ जुड़िया होया बड़ा लंबा समा पंजाब च रहा, ग्रैजुएशन भी उन्होंने पंजाब च की है, उन्होंने कहा भी मेरा पंजाब नाल आपदा बड़ा लगाव है, मैं जरूर
जिहड़ी है वो मदद है जिहड़ी है वो करूँगा। बाकी असी तां दुबारा भी पंजाब की खातर सानू कुछ करना पवे, सानू चाहे 10 बार ही आना पवे, असी 10 बार मंत्री साहब कोल आवांगे भी भाई साढ़े जिहड़े पंजाब दे साढ़े खिडारियों की जिहड़ी है मदद करो। पंजाब सरकार भी कर रही है तो क्योंकि सारी जिहड़ी क्योंकि कोई सियासी मैं समझदा मुद्दा नहीं, साढ़े सारिआं दी सांझी जिम्मेवारी बनती है कि असी जिहड़े साढ़े देश नूं अगे लिजाण लई, साढ़े खिडारियों नूं अगे लिजाण लई सारे एकजुट होकर मदद करिए। अच्छा, एक आखिरी सवाल मेरा ये है कि आजकल जो मुद्दा चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी का सुर्खियों में रहा है और उसको लेकर क्लियर भी हो गया है कि केंद्र कोई इंटरफेयर नहीं कर रहा है, क्या ऐसे मुद्दों को केंद्र को कहीं ना कहीं कुरेज करनी चाहिए? देखो असी हमेशा जिहड़ा फैडरल स्ट्रक्चर ते जदों भी कितें कोई हमला हुंदा असी हमेशा उहदे ते पंजाबी होण दे नाते मंत्री चलो बाद च MLA बाद च असी हमेशा जिहड़ी आवाज़ आ उहदे ते उठाउने आ। असी जदों कह लो भी आह यूनिवर्सिटी दे केंद्रीकरण दी जिहड़ी गल चली तां उदों भी पंजाब च बड़ा रौला पिया, हर एक पंजाबी ने ते चिंता जिहड़ी आ जाहिर कीती क्योंकि मैं कहां जे साडा पंजाबियां दा पंजाब यूनिवर्सिटी नाल की रिलेशन है, ये शायद कोई की सेंटीमेंट है कोई गैर पंजाबी शायद समझ भी ना पावे, है ना। ऐसे करके क्योंकि जदों यूनिवर्सिटी इत्थे चंडीगढ़ आई पहला लाहौर तो हुशियारपुर आई, हुशियारपुर तो चंडीगढ़ आई, जदों पंजाब चो हरियाणा निकले हिमाचल निकलिया तो इन्होंने इंटर कारपोरेट बॉडी स्टेटस वह बना दिता कि जी 20% तिने शेयर स्टेट ने जोड़े वो शेयर देने तो 40% सेंटर देगा, तो हरियाणा तो हिमाचल कहें असी नहीं देना क्योंकि उन्हों का कोई सेंटीमेंट नहीं जुड़िया होया, इस करके उन्होंने कहता असी नहीं देना, पर असी उदों भी कहा भी उन्हों का शेयर भी असं जो देने तैयार हाँ। तो हूँ भी जदों मेरी CM साहब न गल हुई भी जी इस तरह का हो तो CM साहब ने कहा कि आप 100% खर्चा भी देने तैयार हाँ, पर पंजाब यूनिवर्सिटी पंजाब की जिहड़ी है रहनी चाहिए है क्योंकि साढ़े लोगों की उद्देश इमोशनली हिस्टोरीकली बड़ी अटैचमेंट है क्योंकि जो असी पंजाबी जो पाकिस्तान छड़ के आए थे असी अपने पहले घर उत्थे छड़े तो पंजाब यूनिवर्सिटी ने भी उदों अपना पहला घर लाहौर छड़ के साढ़े नाल पंजाब आई, इस करके साडा धरोहर है असी उहदे नाल जुड़े हुए हैं पंजाबी लोग बड़ी इमोशनली, इस करके किसी हद ते जाके भी असी ये मंजूर नहीं कर सकते कि पंजाब यूनिवर्सिटी तो पंजाब का हक है जिहड़ा खोया जाए। इस करके असी मता पा के भेजा सी जे सेंटर ने साडी गल जिहड़ी है मन्नी है ये असी धन्नवाद करते हैं, पर असी पहला भी कहने ये साडी कोई भीख नहीं सी, पंजाब यूनिवर्सिटी ते साडा हक बनता जिहड़ा है सी ते हमेशा रहूगा। तो बिल्कुल, ये थे खेल मंत्री गुरमीत सिंह मीतेहर जिन्होंने नव द टाइम्स पंजाब केसरी के साथ खास बातचीत की। दिल्ली से कमल कुमार कंसल, नव द टाइम्स पंजाब केसरी TV। देश दुनिया दी हर वड्डी खबर नाल जुड़े रहने लई साडे यूट्यूब चैनल नू सब्सक्राइब करो, नाल दी नाल हर नवी वीडियो दी नोटिफिकेशन लई बैल आइकन जरूर दबाओ। जेकर तुसी ये वीडियो फेसबुक ते देख रहे हो तो इसनू लाइक जरूर करो और ज्यादा तो ज्यादा शेयर भी करो। धन्यवाद।